बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों की हलचलें तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया और खलबली मचा दी। बंटी साहू ने दल बदल कर सत्ता सुख का मन में रखने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया है। सांसद विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा के सौसर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब हम चुनाव जीत गए, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन गई। अब कुछ कांग्रेस नेता बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे हैं। चिट्ठी चल रही है, ये चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं। मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए। विवेक बंटी साहू ने बड़े आक्रामक तरीके से कहा कि अब केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है उन्हीं की चलेगी जो 100% भाजपाई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 50% वाले नेताओं की नहीं चलेगी। इसका सीधा मतलब निकल कर ये आता है कि भाजपा में दोगले नेताओं की जरूरत नहीं। बंटी साहू ने कहा कि पार्टी में चुनाव से पहले आए कांग्रेस नेताओं का सम्मान है, पर जो अब सत्ता की चाह में आए हैं उनकी नो एंट्री है। अब जब हम जीत गए तो दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है। मेरा विरोध ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले? 90% वाले। आज और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई और उस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से 1-on-1 चर्चा की। चर्चा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। और अब इस बैठक के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी और तय होगा कि आखिर क्या परिणाम हो सकते थे जिसमें कमी रह गई छत्तीसगढ़ में, और अब उस पर काम कैसे किया जाना, इसके संबंध में रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा जब अध्यक्ष को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आरोप लगते हैं तो ये तथ्यात्मक जांच अगर नहीं होगी तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। इसमें मौली जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके और हर संभाग में हर विधानसभा से लोगों को चिन्हांकित करके बुलाया था और उनसे फीडबैक लिया था, और मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को बुलाया गया है और उनसे चर्चा करके फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। पहले हम लोग लगभग 1100 लोगों से वहाँ मिले और आज स्टेट लीडरशिप से हम लोग वापस से मिलकर और रिपोर्ट बनाएंगे। कब तक ये रिपोर्ट बन जाएगी? हमारा प्रयास जल्दी ही रिपोर्ट बनाकर और सबमिट कर लेगा। सर दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के ऊपर? नहीं, लोकसभा के संदर्भ में हम लोगों की ये कमेटी थी। क्या कुछ फैक्टर्स जो है वो सामने आए? ये हमारी सीक्रेट रिपोर्ट में बनाने का हमारे को मैंडेट है और सीक्रेटली हमको बनाकर और पार्टी को देना है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।